What's up guys, this is Guru Maan. ये है Lean Mode 5-10-20 Post Workout Drink. ये बहुत ही important drink है क्योंकि ये एक window है आपके muscle की recovery की, आपकी जो आपने glycogen जो deplete किया है glucose body से उसको refill करने में. तो बहुत important meal है, इसको ignore बिल्कुल ना करें. और जिस तरह से आपको मैं post workout जो drink है वो recommend करता हूँ, और हर तरह हर बार की तरह इस बार भी आपको मैं पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक में सप्लीमेंट रेकमेंड कर रहा हूं, और सेम सप्लीमेंट जो आप पहले कंज्यूम करते हैं सेम आपने वही सप्लीमेंट यूज करना है, कोई आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है. वे प्रोटीन, तो ये आपको सप्लीमेंट चाहिए, ये है पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन कार्ब ड्रिंक. तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि हमें क्या क्या चाहिए और क्यों चाहिए, इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं. So, सबसे पहले हमें चाहिए प्रोटीन. प्रोटीन में हमें चाहिए वे प्रोटीन. अब ये मेरे पास है ऑन ऑप्टिम न्यूट्रिशन. जिस तरह से आपको मालूम है कि ऑलमोस्ट में आप जितने 5-6 प्रोग्राम है सभी मैंने आपको वे प्रोटीन रेकमेंड किया है. आप कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट कंज्यूम करते हैं बट मेक श्योर अमेरिकन ब्रांड को ही प्रेफर करें. सो ये मेरे पास वे प्रोटीन ऑन का जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं परफेक्ट. अगर आप और भी सप्लीमेंट यूज करना चाहते हैं, आप सेलकोर का है वे प्रोटीन, आप डायमटाइज का है वे प्रोटीन, देन बीएसएन वे प्रोटीन, बीएसएन में है सिंथेसिक्स आइसोलेट, उसके बाद है लॉट ऑफ कंपनीज बाय द वे. मेरे दिमाग में बहुत सारे नाम आ रहे हैं लेकिन मुझे ये मालूम नहीं है कि वो इंडियन मार्केट में है कि नहीं. ज्यादा पिकी ना हो, आपने यहां पर मैस गेनर और वेट गेनर नहीं कंज्यूम करना, आपने सिर्फ वे प्रोटीन कंज्यूम करना है. मेक श्योर आप वे प्रोटीन पर पैसे स्पेंड करें ना कि मैस गेनर और वेट गेनर पर. डोंट वेस्ट योर मनी, दैट्स अ टोटली गार्बेज सप्लीमेंट. यस आई कंसिडर, अगर आपका गोल है फिट और लीन फिजीक देन डू नॉट वेस्ट योर मनी. ओके वेल ओके, सो वे प्रोटीन. अब वे प्रोटीन क्यों, क्योंकि आपको मैंने बहुत बताया ये फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है. देयर इज नथिंग फास्टर देन वे प्रोटीन. सो आपको यहां पर फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन और सभी न्यूट्रिएंट चाहिए जो आपकी स्टमक से बाईपास मतलब पास होकर आपके मसल तक पहुंचे और जल्दी जल्दी आपको रिकवरी प्रोवाइड करे. सो अगर आप सप्लीमेंट नहीं यूज करते तो आप यहां पर एग वाइट्स, बॉइल्ड एग वाइट्स कंज्यूम करेंगे 6-7. ऑलराइट, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बाय वे प्रोटीन. वे प्रोटीन इज अ मिल्क बेस्ड प्रोटीन, टोटली वेजिटेरियन प्रोटीन है. अगर आप सप्लीमेंट नहीं अफोर्ड करते देन एग वाइट्स, अगर वो भी आप नहीं कंज्यूम कर सकते तो ग्लास ऑफ मिल्क एंड बनाना. ऑलराइट ओके, सो सप्लीमेंट अगर आप पूछें कि बहुत ज्यादा हर बार आप पूछते हैं मसल ब्लेज के बारे में कि मसल ब्लेज एक इंडियन ब्रांड है बहुत ही चीपर है, क्या वो सही है? अब इसके ऊपर मैं ज्यादा कॉमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास मसल ब्लेज सप्लीमेंट मैंने टेस्ट नहीं किया, मेरे पास उसकी लेबोरेटरी रिपोर्ट नहीं है. इस बार मैं इंडिया जा रहा हूं जल्दी, और इंडिया जाकर वहां से मैं सप्लीमेंट लेकर आ रहा हूं मसल ब्लेज का, और यहां पर आपको मैं क्लिनिकली टेस्ट करूंगा, उसको टेस्ट करवाऊंगा लेबोरेटरी में और चेक करूंगा कि उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट उन्होंने प्रोवाइड किए हैं क्या वो सही है या गलत. उसके बाद मैं उसका पूरा रिव्यू आपको दूंगा ताकि आप पैसा उसके ऊपर वेस्ट कर रहे हैं या सही स्पेंड कर रहे हैं ये आपको बताऊंगा. तो इस समय मेरे पास उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, और ये आपको मालूम होना चाहिए कि मसल ब्लेज इंटरनेशनल मार्केट में नहीं है. सो आप समझ सकते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में नहीं है, जो नहीं अप्रूव कर पाया, इसका मतलब है कि उसकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क है. और उसके अंदर और क्या क्या है, ये इसके ऊपर क्या क्या है, क्या क्वेश्चन मार्क है, तो इसके बारे में मेरे पास ज्यादा रिपोर्ट नहीं है. तो मैं गलत आपको रिव्यू नहीं दूंगा, लेकिन अब मैं आपको वो सप्लीमेंट रेकमेंड नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो टेस्टेड नहीं है इस समय. सो बाय वे प्रोटीन एनी ब्रांड. उसके बाद मैं आपको सप्लीमेंट कर रहा हूं BCA, आपने प्री वर्कआउट में कंज्यूम किया था, ब्रांच अमीनो एसिड. इट हेल्प्स टू प्रिवेंट मसल ब्रेकडाउन, हेल्प्स टू रिक्रूट न्यू मसल फाइबर्स, रिपेयर योर मसल फाइबर्स एंड रीबिल्ड दोस मसल फाइबर्स जो आपने ब्रेक किए हैं. तो इसलिए आपको यहां पर चाहिए BCAs. बताया आपको मैं, पूरी वीडियो है मेरी BCA के बारे में, आप चेक कर सकते हैं. ये तो हो गया प्रोटीन एंड अमीनो एसिड टुगेदर. अब कार्ब में हमें क्या क्या चाहिए? गेटोरेड, मैंने आपको बताया हुआ गेटोरेड का पाउडर है या लिक्विड है, आप यो मर्जी यूज करें. उसके साथ हमें चाहिए यहां पर बनाना, वन बनाना, और उसके साथ हमें चाहिए यहां पर हनी, मेरे पास हनी है. तो गेटोरेड क्यों चाहिए? ये कार्बोहाइड्रेट्स है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 20-22 grams ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है. उसके बाद मेरे पास, क्योंकि ये से फास्ट शुगर, इसे फास्ट डाइजेस्टिंग स्पोर्ट्स ड्रिंक है, तो बहुत ही जरूरी है आपके लिए. उसके बाद मेरे पास बनाना. बनाना क्यों चाहिए?
क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स और पोटेशियम इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो आपने एक्सरसाइज के दौरान जब आप पसीना आता है, यू लूज योर इलेक्ट्रोलाइट्स, हेल्प टू रीफिल, ऑल्सो रीफिल द मसल ग्लाइकोजन, बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 25 से 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उसके बाद मेरे पास है हनी। हनी इज अ फास्ट डाइजेस्टिंग शुगर, सो ये कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन इट्स जो आपको चाहिए एक्सरसाइज के बाद रिकवरी में, स्पीड अप रिकवरी, हनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर शुड बी नेचुरल, कुक्ड हनी ना हो, रॉ हनी हो। अगर आप बाजार में जो मिलावट में मिलता है, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े ब्रांड मिलावट है, वो प्योर नहीं है, उसके अंदर बहुत कुछ ऐड किया हुआ है टेस्ट और फ्लेवर से, जिससे कि उसका हनी नेचुरल जो होना चाहिए, जितना रंग उसका डार्कर हो उतना वो बेटर है। सो और इट्स अ हाई इन शुगर, लेकिन ये शुगर आपको चाहिए, इट्स अ नेचुरल शुगर एक्सरसाइज के बाद, थम्स अप फ्रॉम माय साइड। इसके अंदर 20 ग्राम ऑलमोस्ट कार्ब होगा। सो ये टोटल जो है मैक्रो ब्रेकडाउन इसकी है, 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, स्कूप एंड हाफ लेंगे आप, उसके साथ है हम 70 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और फैट इनटेक 1 or 0 ग्राम। ऑलराइट, सो हम यहां पर शुरू करते हैं। मेरे पास यहां पर थोड़ा सा पानी लिया हुआ मैंने ऑलरेडी, और पानी, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 8 ounces, मतलब 240 मिलीग्राम्स गैरोरेट, दैट्स इट। इसके अंदर आप ऐड करें हनी आपने ऐड करना है ऑलमोस्ट 1 spoon, परफेक्ट। आप इसको मेजर करें, मुझे मालूम है कि मैंने 1 spoon ही डाला है, लेकिन आप स्पून से डालें अगर आपको आइडिया नहीं है। इसके बाद हम यहां पर, मैंने बताया कि हम 5 ग्राम प्री वर्कआउट कंज्यूम कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट 5 ग्राम पोस्ट वर्कआउट, ये 2.5 ग्राम का स्कूप है, और जो हमारा फाइनल है वो है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन आपने यहां पर, मैंने कहा 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए, इसका मतलब 30 ही चाहिए। आप यहां पर डबल स्कूप कर प्रोटीन को वेस्ट ना करें। ये प्रोटीन की कॉस्ट जो आपको पड़ती है लगभग 100 rupees में आपको सर्विंग पड़ती है, तो ज्यादा वेस्ट ना करें प्रोटीन। तो यहां पर आप जो लोग एडवांस्ड हैं वो यहां पर 2 scoop लें, क्योंकि अगर आपके मसल मेच्योर हैं तो आपकी बॉडी जो है वो अब्सॉर्ब कर लेगी प्रोटीन को। अगर आपके मसल मेच्योर नहीं है, आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, आप यहां पर 30 ग्राम से ऊपर ना जाएं। वैसे भी मैंने इस प्रोग्राम में 30 ग्राम ही प्रोटीन रेकमेंड किया है। तो यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं स्कूप एंड हाफ, नथिंग एल्स गाइस, वेरी सिंपल, और बनाना। अब अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप सब कुछ मिक्स कर दें, और मिक्सी में और ब्लेंडर में इनको ब्लेंड करें एंड हैव अ प्रोटीन बनाना शेक। अगर नहीं है, जैसा मेरे पास सेपरेट है, ईट बनाना सेपरेट, और उसके साथ आप यहां पर जस्ट मिक्सर को ब्लेंड करें, और ऑल गुड। सो दिस इज गुरुमान, और यह है पोस्ट वर्कआउट मील, बहुत ही इंपॉर्टेंट मील। इसके बाद हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मील है, जो है रिकवरी मील, जिसको हम कहेंगे पोस्ट वर्कआउट मील, और वो है डिनर, और हमारी 5th मील ऑफ द डे। अगर आप सुबह वर्कआउट कर रहे हैं तो वो आपका ब्रेकफास्ट होगा, अगर आप सुबह वर्कआउट कर रहे हैं तो वो आपका ब्रेकफास्ट होगा। ऑलराइट गाइस, टेक केयर, दिस इज गुरु मान, लीन मोड 5-10-20, watch our next video, which is meal number 5. Take care, guys. Bye.